बात से यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन सेवन सी भी यहाँ पे बात करें तो इंटर करना पसंद करेंगे इस फाइट में, बहुत ज्यादा ओपन के साथ आगे बढ़ गया अपने स्प्रे को चलता क्या था रहता आई डोंट नो, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की कॉल था, लेकिन उसके बाद ग्रेनेड जो था वो काफी और पॉइंट साबित हुआ। स्प्रे गॉड क्या ग्रेनेड नॉक करेगा, लादिंग का ग्रेनेड बाहर करेगा वहां पे अक्षत को। अब कनेक्शन की बात करें कुछ खासा नहीं, लेकिन कुछ डैमेज ढूंढ लेंगे उस ग्रेनेड के साथ ताकि जब उस वन वन के फाइट में जाए तो बेहतर रहेगा। मैं डीपीएस का क्या काउंट हूँ ना, तो यहाँ पे डीपीएस ला रहे हैं और क्लोज रेंज में काफी टेडली गन मारा जाता है वो यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे थे। एग्जैक्टली सवितार वहां पे चला रहे हैं, हेक्टर को वहां पे नॉक कर दिया, लेकिन आखिरकार सारंग इकलौते रहेंगे। ओमेगा ऑलरेडी अपना पोजीशन होल्ड कर चुके, ज्यादा आगे जाना सोल गॉब्लिन के लिए मुश्किल साबित होगा। रैंडम स्प्रे दिया गया, सारंग गेट्स हिम डाउन, हेक्टर की एचपी बहुत ज्यादा कम है बट मानिया यहाँ पे ऑनियर हैंड विक्सी को डाउन करेगा। ओमेगा उधर नेज की कोशिश रहेगी, रिवाइवल तो कंप्लीट हो जाएगा बट क्या यहाँ से बच के जा सकते लेफ्ट साइड से, यहाँ पे स्प्रे गॉड छलांग जरूर मारेंगे, डैमेज देने की कोशिश। हेक्टर की एचपी कम जरूर हुई है बट थ्री पास के अंदर वो आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ओमेगा की एचपी बेशक बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, थ्री पास के अंदर देखना पड़ेगा, दोनों प्लेयर्स कॉर्नर्ड हो चुके, थोड़ी बहुत थ्री पास के अंदर आएंगे, स्प्रे गॉड को हेक्टर डाउन करेंगे, उसी के साथ साथ सेवन सी इस मैच से हो जाएंगे बाहर। टीम सोल पांच फिनिशर्स के साथ।